नमस्कार, अमित विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शारीना खान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 2 दिन बाद है। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। इसको लेकर आज हमने बिथरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हमने कुछ किसानों से जानना चाहा कि किसान अपने किन मुद्दों को लेकर अगली सरकार चुनना चाहते हैं। तीनों ही पार्टियां, भाजपा, सपा और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में मेन फोकस उनका जो रहा है वो किसानों पर रहा है। तो इस बारे में हमने किसानों से बातचीत की। आइए जानते हैं किसानों का क्या कहना है कि मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके गांव में क्या विकास चाहते हैं। किसानों को लेके जो भी घोषणा पत्र में जो जो बताया गया है तो उसको लेके आप किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे? मुद्दे पर क्या बताइए, अब ये नुकसान गाय हैं छोड़ रखे हैं योगी जी ने, ठीक है, इससे कितना नुकसान है। और विकास तो है ही है, ये समस्या और दूर हो कि जो अब ये जानवर कट तो अब भी रहे हैं, ऐसा नहीं कट नहीं रहे, अब भी कट रहे हैं। अब पहले तो खुले कटते थे, अब और ज़्यादा कट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कि रोकथाम कुछ नहीं है। और खेतों में इतना नुकसान हो रहा है कि बगैर सो के और जाग के बगैर फसल नहीं मिल पा रही। ऊपर से तो ओले गिर रहे हैं, ठीक, बारिश हो रही है, लाटा की ऐसी तैसी हो रखी है सब, आलू भी बेकार हो गया है। आने वाली सरकार में आप क्या चाहते हैं कि मत आने वाली सरकार से कि किन मुद्दों पे आप अपना वोट देंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी आए, कमल खिले, क्योंकि जो राष्ट्र के लिए जो काम करता है, हिंदुस्तान के लिए काम करता है, वही सरकार अच्छी है। किसानों के लिए आप क्या चाहते हैं कि किसानों को क्या उम्मीदें हैं आपकी आने वाली सरकार? योगी जी ने सोचा था कि घुसरखाने बंद करवा देंगे तो गाय कटना बंद हो जाएंगी, ये तो अच्छा था, लेकिन गाय तो वहाँ नहीं जा रही, लेकिन गाय लोग, किसान लोग छोड़ देते हैं तो उन्हीं का नुकसान करती हैं। क्या क्या समस्याएं जो आप चाहते हैं कि आने वाली सरकार, जब दूसरी सरकार बने तो आप क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की जो चाहते हैं आप वो समस्याओं का हल हो? बस यही हल हो जाए कि बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का, तो किसी तरीके से गाय जो हैं उसमें गौशाला में आ जाएँ, बस किसान खुश हो जाएंगे। माता जी, आप क्या चाहती हैं आने वाली सरकार से कि किसानों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आने वाली सरकार से? आप क्या 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 मुद्दे हैं जो आप वोट देंगी, तो किस तरह से क्या किन मुद्दों पे आप वोट देंगी अपना? आप जा चाहत हैंगे, हमारे किसान लोग हैं जो बहुत परेशान हैं गायनन से, जैसे अब जो ऊपर से बरसात हो रही, ओरे गिरेंगे, अब जो गेहूँ ना मिलेंगे, धानों ना मिले, किसान लोग का खाएं, जा बता रहे हैं। और जो चाह रहे हैं कि भाई देखो अन्नो पानी मिले, जो किसान पलाए हैं, और जो सोचना हम दे रहे हैं तुम्हें, हम जिता रहे हैं, तो कुछ तो लाभ दो किसान लोगों को। सर, आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं कि अब जो आप नई सरकार चुनेंगे तो उसमें आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को देखते हुए आप अपना वोट देंगे? हमारा मुद्दा ये कि मतलब जो नए युवा हैं उनके लिए रोज़गार मिलना चाहिए। मेरा मेन फोकस ये रहा कि मैं भी एक नया युवा हूँ, मुझको भी रोज़गार की रिक्वायर्ड है, सबको रिक्वायर्ड होती है। और बाकी जो महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। बाकी किसानों को लेकर तीनों पार्टियों ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, सबका फोकस किसानों पर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इतना जो और पार्टियां खिलाफ पार्टियां हैं ना, जैसे सपा हुई, बसपा हुई, इनका मेन फोकस यही है कि ये जो सांड छोड़ रखे हैं ना, ये सांड का थोड़ा कंट्रोल हो जाए, जैसे कि थोड़ा इसमें थोड़ा कंट्रोल मिले। किसान परेशान है इसको लेकर, फिर वो रात भागता है रखाने के लिए, खेत रखाए, अपना घर रखे, क्या रखाएगा उसमें, बस यही खास चीज़ है महंगाई और ये किसान थोड़ा साठ बाट कंट्रोल हो जाए और क्या। आप आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पे आप अपना वोट देना चाहते हैं? अब तो बता मैं किन को देना, तो हमारे गांव तो सब चक्कर में पड़ो, वो किन्हें दें किन्हें ना दें। वो आपका है कि आप किसे भी वोट देते हैं, लेकिन क्या मुद्दे हैं आपके, कुछ क्या विकास चाहते हैं अपने गाँव में, क्या सोच कर आप वोट देंगे? अब सोच तो हमारे गांव में तो रोड जो जाए रोड रहेगा, अपन रोड सब रोड पर गए, सीधी हमारे गांव पर गई, कोई दिक्कत नहीं हमारे गांव में। फिर आने वाले अभी किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आप मतलब आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं कि किसानों की क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हल हो? अब क्या हल बताऊं मैं तो, मतलब हमें तो जो सरकार हो जाए वही अच्छी है मतलब। तो आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या सोचकर आप अपनी आने वाली सरकार चुनेंगी, क्या मुद्दे हैं आपके? सोच रहे हैं कि हमारी जो मड़ैया बन जाए सही है, हमारे कैसे नहीं हम रहते हैं, बारिश में होती है बारिश, ऐसी होती है नहीं, मड़ैया में हमारे भेजते हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? बस यही दिक्कत, और यही दिक्कत ही हमारी, और कोई दिक्कत ना हमारी मड़ैया बन जाए, राशन पानी का सब दिक्कत ना कुछ ना, राशन पानी का सब दिक्कत सही है ना, हमारी खाली मड़ैया बन जाने चाहिए बस, और कोई दिक्कत हमारी नहीं। देखो जैसे सड़क में बारिश होती है वैसे भीतर नहीं पानी जाते।
अभी हमने जाना कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। जिस गांव में हमने आज देखा तो उस गांव में उनके किसानों का कहना है कि इनकी सड़कें नहीं बनी हैं, उनको आने वाली सरकार से उम्मीदें हैं कि आने वाली सरकार उनकी सड़कें बना कर देगी, या फिर किसानों को ये उम्मीदें हैं कि जो आवारा पशु हैं वो उनका फसलों का नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही निकल कर आई है किसानों के लिए। बरेली से अमृत विचार के लिए कैमरामैन अरुण के साथ।